YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ हाई स्कूल में आज गुंडे और मनचले किस्म के दो युवक एकाएक आग घुसे। विद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के समक्ष ही प्रधानाध्यापक निजामुद्दीन से मनचलों ने उल्टी सीधी बातें की और धमकी भरे बोल कहे, गोली मारने की बातें भी कही गई। इससे पहले अध्ययनरत विद्यार्थियों से भी बदमाशों ने अपशब्द कहे। दूसरी कक्षाओं से शिक्षक व कर्मी पहुंच पाते इससे पहले ही शरारती युवक मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर मामले को खंगालने में जुट गई। इस घटना से विद्यालय के बच्चे डरे और सहमे हुए हैं। हम लोग विद्यालय गए, विद्यालय में प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद जैसे ही हम लोग अपने अपने कक्षाओं में जाने लगे तो कुछ दो चार लड़के आए और अप्रिय बात अपने में कर रहे थे और कुछ ही देर बाद वो खड़ा होकर मारपीट करने के लिए उकसाने लगे। हम लोगों को मारपीट करने की धमकियां देने लगे। साथ ही इसके खबर सर के पास गया। जैसे ही प्रिंसिपल हमारे निजामुद्दीन अंसारी आए, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, वैसे ही वे सर को ही धमकियां देने लगे। बोले कि जान से मार देंगे, आप बाहर निकलिए। और फिर शिक्षकों तक यह खबर गई, तब तक वो लड़का भाग गया। कौन से लड़के हैं, तुम पहचानते हो उन लोगों को? जी, मैं उनका नाम नहीं जानता, चेहरा जानता हूँ। हम लोग मतलब क्लास साफ हो रहा था, हम लोग सब बच्चे लोग बाहर खड़ा था, तो कुछ दो लड़के लोग आए गाड़ी से और हम लोग को क्लास में आकर कुछ लड़के लोग को बोला कि कौन था, मतलब लड़ाई पीट का बात करने लगा और टीचर लोग को गाली गलौज और फिर मारने का धमकी भी देने लगा। अब बोल रहा है हम लोग को भी मारने पड़ रहा था और बार बार इस तरह बहुत तरह के कांड आते हैं। और हम लोग को लड़की लोग को भी पहले बार इससे पहले हुआ था कि लड़की लोग क्लास में घुस के उन लोगों से भी कुछ बातचीत और कुछ लफंगे आए थे और कुछ ये सब बोल रहे थे और मार रहे थे, बोल बोल कि मारेंगे, गोली से मार देंगे, कभी धमकी देते हैं टीचर लोग के और बच्चे लोग के भी देते हैं। दो बच्चे आए बाहरी, बिना इन्फॉर्म में थे, थम गया, वहाँ की क्या बात है? तो कहा कि विद्यालय में आप लोग दिन झगड़ा कराते हैं, इस तरह से क्या बात से बात कर रहे हैं? तो फिर कहा आ गया जी, पूछे हम बातें आता तो बोलते हुए धमकी देते, गोली मार देंगे, इसे कर देंगे, आप लोग विद्यालय में क्या करते हैं? और उसके बाद यहाँ जब आए तो कहा कि निकलो बाहर, बाहर फिर हम दो तीन टीचर बाहर गए, वहाँ देखे कि एक लड़का तो भाग गया और दूसरा था, तो उसको ने बुलाया कि सर से थाना गया। थाना के बाद मैंने, तो सर जो विद्यालय में जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या इसमें विद्यालय के बच्चे थे या फिर वो बाहरी लड़के? बाहरी लड़के थे, या तो एक वो तो एक लड़का जो है इस वर्ष जब कॉमर्स का एग्जाम दिया है और एक बहुत पहले प्राइज कर चुका है। तो सर इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से क्या पहल किया गया? मैंने की है कि पुलिस आई या फिर उनको अपना जो आगे की कार्रवाई करेगा पुलिस।